हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरफराज खान। फ्रेंड्स, आज हम शेयर जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है सुबेक्स लिमिटेड। चेहरे खिल गए आप लोगों के नाम सुनते। शेयर अपर सर्किट में चल रहा है, कल भी शायद अपर सर्किट में रहेगा, मिलेगा नहीं। और लेकिन जब मिलेगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पर आएगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा चैनल अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल बताने के लिए ही फेमस है और मैं अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल पर ही इन्वेस्टमेंट करने की राय देता हूँ। तो ध्यान से सुन लीजिए मेरी राय, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुबेक्स लिमिटेड, क्योंकि और कोई व्यक्ति हो सकता है आपको इस तरह का एनालाइज करके ना दे। मैं एनालाइज भी करके दूंगा और एक शेयर भी बताऊंगा बेटर, जो कि इससे बेहतर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और बिल्कुल वो इस तरह के सर्किट्स में नहीं चल रहा है। आप आराम से उसको बाय कर सकते हैं सोच समझ के, विचार करके। पहले तो बात करते हैं सुबेक्स लिमिटेड की। सुबेक्स लिमिटेड का नाम जब जुड़ गया है तो वो रन कर रहा है, यानी कि 30-31 रुपये से वो शेयर 42-43 रुपये तक आ गया, यानी कि 52% के आसपास तक की इसमें अपर लेवल आ चुकी है। ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए 30 रुपये इससे नीचे अप्रोप्रिएट था, लेकिन अब नहीं है, अभी 43-44 रुपये पे आ गया। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल उसको कहते हैं जब कंपनी का रिजल्ट इम्प्रूव्ड हो, कंपनी प्रूफ कर चुकी हो, अपनी एबिलिटीज बढ़ा चुकी हो, वर्किंग लेवल बढ़ा चुकी है, फंडामेंटल्स बढ़ा चुकी हो, रिजल्ट दे चुकी हो, प्रॉफिट्स दे रही हो कंटिन्यूस, उसमें किस तरह का डाउनफॉल ना हो, बस शेयर में डाउनफॉल हो। लेकिन इस कंपनी का जो रिजल्ट एनालिसिस मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद में आप सोचिएगा कि क्या इसमें 43-45 के आसपास को लेवल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर रहेगा, क्या वापस फंस सकते हैं, या फिर ये शेयर और जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई ये 52-60-70 होते हुए ऊपर तक चला जाएगा। तो पहले रुकिए, ज़रा मेरी बात को सुन लीजिए। आपको जो करना हो करिएगा, लेकिन मेरी बात को भी सुनिएगा, ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल इस स्क्रिप्ट में बता सकूं और अप्रोप्रिएट राय दे सकूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसकी फाइनेंशियल वैल्यूज का एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी के लास्ट ईयर के 4 क्वार्टर्स का जो रिजल्ट है वो बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वार्टर में जो था, कंपनी को 12-13 करोड़ का प्रॉफिट था नेट इनकम, और फिर उसके बाद में सेकेंड क्वार्टर में 4 करोड़, फिर थर्ड क्वार्टर में 2 करोड़, और फिर फोर्थ क्वार्टर में 60-70 लाख। मैं एक अप्रोक्स वैल्यूज बता रहा हूँ, आप चाहे एनालाइज कर लीजिएगा मेरी बात को। यानी कि कंपनी 12-13 करोड़ से 4 करोड़ पे, 4 करोड़ से 2 करोड़ पे, 2 करोड़ से 60-70 लाख के नेट इनकम पर आ गई। तो क्या लगता है आपको कि कंपनी का जो नेट इनकम है, यानी कि जो प्रॉफिट है, वो तो बिल्कुल 12-13 करोड़ से 60 लाख पे आ गया, 60-70 लाख पे। कितना डाउनफॉल है आप खुद एनालाइज कर लीजिए, कितना टाइम्स डाउनफॉल है ये भी एनालाइज कर लीजिए। और कंपनी का शेयर 30 से लेके 45 रुपये तक चला गया, यानी कि 50% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटर गेम भी हो सकता है, नीचे से माल समेट लिया गया हो। डील तो आप लोगों को जब बताई, जब पहले से ही बात चल रही होगी, यानी कि शेयर डाउनफॉल पे था, माल समेट लिया गया होगा और वापस से माल ऊपर ले आकर के बेच दिया जाएगा। और हो सकता है कि आप वापस से कुछ दिनों के लिए इसी तरह के ट्रैक में उलझ जाएं, शेयर वापस से एक डाउनफॉल ट्रैक पे आ जाए, अपनी स्टेबिलिटी बनाए, फिर कंपनी अपना रिजल्ट इंप्रूव करे, अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करे, प्रॉफिट बनाना शुरू करे, तब जाकर के वापस से शेयर एक्चुअल में अपर लेवल पे आएगा और आपको अपनी स्टेबिलिटी बना करके अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन जो मैंने कही बात, उसको आप एनालाइज कर लीजिए। अब एक और शेयर मैं बताता हूँ आपको, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बस इससे बेहतर शेयर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इससे बेहतर शेयर उसका मैं एनालाइज करके आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम है कंप्यू एज इन्फोकॉम। इस कंपनी का जो रिजल्ट है लास्ट ईयर का, मैंने आपको एनालाइज करके बताया मेरे पिछले वीडियो में, फिर से बताता हूँ। इस कंपनी का जो नेट इनकम है, फर्स्ट क्वार्टर में 1.5 करोड़ के आसपास था, फिर बाद में नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ 7.5 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर 7.5 करोड़, और फोर्थ क्वार्टर में 10.5 करोड़, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में अप्रॉक्स 10 टाइम्स के आसपास प्रॉफिट हो गया, 9 to 10 टाइम्स। और सुबेक्स लिमिटेड का प्रॉफिट 12-13 करोड़ से 60 लाख पे आ गया, यानी कि कितना डाउनफॉल है, 15-20 गुना के आसपास। फ्रेंड्स, इसमें शेयर की जो वैल्यू है कंप्यू एच इन्फोकॉम में 22.5 रुपये के आसपास लेना बनता है, और जिस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, होलसेल का बिज़नेस, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। कंपनी हो सकता है कि 22-23 के शेयर को 60-65 तक ले जाए, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे डबल रिटर्न मिल जाए। यानी 100% आप लगाएं तो 300% टोटल अमाउंट आपका हो जाए, जिसमें 200% आपको प्रॉफिट हो।
लेकिन फ्रेंड्स सुबैक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहाँ तक ये जाएगा और कहाँ तक फिर वापस नीचे आएगा। आप देख लीजिए TTML को देख लीजिए आप अच्छी तरह से, उसका रिजल्ट एनालाइज कीजिए। जो लोग 290 में फंसे हुए हैं वो देख लीजिए आज शेयर 100-125 रुपये के आसपास चल रहा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि बिना रिजल्ट के यानी कि बिना बेस के आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो बिल्डिंग कितने दिन टिकेगी कह नहीं सकते कुछ। फ्रेंड्स इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर भी नहीं रन करता है जो कि एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है। आप समझिए मेरी बात को, मैं जो समझाना चाहता हूँ, भले ही ऐसा प्रॉफिट हाथ से निकल जाए लेकिन हमें ऐसा लॉस नहीं चाहिए जिसमें कि हम बहुत टाइम तक के लिए फंस जाएं। बहुत शेयर है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठंड खा के ठंड रख के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठंडे दिमाग से आप कमा पाएंगे। आप बड़े बड़े जो लोग वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं आप उनके बारे में पढ़िए जानिए, भगते हुए शेयर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और वो भी न्यूज़ के बेसिस पे जो कि परफॉर्म भी नहीं कर रहा हो, जिसके रिजल्ट भी अप्रोप्रिएट ना हो इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से। हमेशा इन्वेस्टमेंट शेयर में तब करना चाहिए जिसमें एक अपवर्ड बाइंग लेवल आए, ताकि जब वो रन करने लगे तो जो लोअर लेवल पे लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको एक अच्छा रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट मिले। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ में कुछ इस तरह की बातें जानने के लिए। आपके नॉलेज एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत सारी बातें बताता हूँ, मेरा फंडा भी बताता हूँ, ट्रिक्स भी बताता हूँ, एनालाइज भी करके बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि शेयर मार्केट में आपको लॉस ना हो। और मैं नहीं चाहता मेरे व्यूअर्स को लॉस हो, भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स जो भी बात थी मैंने आपको बता दी, हो सकता है शेयर सुबैक्स 40-80 हो जाए, I don't care, I don't mind, लेकिन जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी। लेकिन हाँ लास्ट में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी है तो फिर एवरेज बना के करिए। जैसे आपको 500 शेयर्स लेने तो पहले 50 ही लीजिएगा, हो सकता है नीचे आए फिर 50, फिर नीचे आए फिर 100, फिर नीचे आए फिर 100, क्योंकि फ्यूचर में जब डील हुई है तो इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, परफॉर्म जरूर करेगा और परफॉर्म करना भी चाहिए, तब आपको अपने एवरेज बनाने के कारण शेयर की जो प्राइजेज है वो अप्रोप्रिएट हो जाएंगी। आप मान लीजिए पहले 50 में फंस गए, फिर 40 में, फिर 30 में, फिर 20 में, तो शेयर का जो बाइंग लेवल है वो एवरेज होता रहेगा। और जब ये शेयर वापस रन करेगा, एक्चुअल में रन करेगा अपने एबिलिटीज़ के दम पे, अपने परफॉर्मेंस के दम पे, तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने तरीका आपको बता दिया किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए मुझे भी 500 शेयर लेकर के इन्वेस्टमेंट करना है सुबह एक्सेंट, मैं 100 ही करूँ, फिर जब डाउनफॉल पे बाई चांस आ गया तो 100, और 100 अगर ऊपर रन करा तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो आ ही रहा है 100, मतलब कि मेरी कैपेबिलिटी अगर 1000 शेयर की तो मैं 200 खरीदूंगा, 300 खरीदूंगा, लेकिन कुछ इस तरह से खरीदूंगा कि मैं पूरा जितना इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहता हूँ पूरे तरीके से नहीं करूँगा, मैं पार्ट्स में करूँगा इन्वेस्टमेंट। अब आ गई मेरी बात आपको समझ में, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरी बात को सोच समझ करके ही, एनालाइज करके ही मेरी बातों को अंडरस्टैंड करके मतलब निकालना सीखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए, दौड़ मत लगाइए सबके पीछे, दौड़ लगाने के लिए भी अपना ट्रैक बनाइए ताकि आप दौड़ सके परफॉर्म कर सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।